उज्जैन जिले की उन्हेल तहसील के ग्राम मालीखेड़ी में सोमवार को टीकाकरण करने पहुंचे दल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सिर में चोट लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। दल में शामिल स्वास्थ्यकर्मी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे। टीम में नायब तहसीलदार अनुजैन, आशा कार्यकर्ता, वैक्सीनेटर और अन्य कर्मचारी थे। स्वास्थ्य कर्मियों ने जब लोगों को टीकाकरण के लिए बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। साथ ही टीम को गाँव से जाने के लिए भी कहा। लोगों का कहना था कि वैक्सीनेशन से लोग मर रहे हैं, हमें वैक्सीन नहीं लगवानी। घटना के बाद मौके पर SDM और SDOP पहुंचे और स्थिति को माला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने बताया कि हमला करने वाले दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। टीकाकरण लगाने के लिए गए थे मालीगढ़ में तो लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। अच्छा। तहसीलदार मैडम ने बोला चलो अपन लोगों के बीच चल के बात करते हैं। हाँ। तो बात करने के लिए गए, मैडम भी थे, तहसीलदार मैडम साथ में पूरा वैक्सीनेटर की पूरी टीम थी जी। तो मेहमानी पर थी उस्मानी भाई, मनोज और चांदूलाल वगैरह, ये सारी पब्लिक ले गए। मैडम बीच में खड़ी थी, हमने कहा ऐसा नहीं हुआ यार, इनसे बदतमीजी बंद करे। हम भी बीच में खड़े थे, एक व्यक्ति आया उसने सीधा आगे सिर पर लग मार दिया। तहसीलदार मैडम थी, पटवारी साहब थे, NM थी, रोजगार सहायक, सहायक सचिव, आशा कार्यकर्ता, 550 लोग थे। उज्जैन से EMS TV के लिए तन्मय खंडूजा की रिपोर्ट।